बट वीडियो निकालने के लिए मैं ऊपर खड़ी हूँ और नीचे दिखाती हूँ, ये देखो बहुत ज्यादा गहरा है, गिर गई तो नहीं बचूंगी। ये पर्चिल हर वक्त का ट्रेडिशनल आउटफिट देख के तो पता चल ही गया होगा कि आज कुछ तो ट्रेडिशनल जगह में जाने वाली। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम बैक विद अनदर व्लॉग एंड आई होप ऑल ऑफ यू गाइस आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। इफ यू गाइस आर वंडरिंग कि ये नॉइज कहाँ से आ रहा है, तो वहाँ पे खेत है, तो वहाँ पे वो ट्रैक्टर चलाते हैं ना, उसका नॉइज है ये। दिखेगा तो नहीं, आई विल शो यू इट। तो बस वहाँ पे वो ट्रैक्टर चल रहा है, इसके कारण नॉइज़ आ रहा है। तो अभी वीडियो चालू करने से पहले यहाँ पे इतना मस्त फॉगी हो गया था कि मैं आप लोगों को दिखाने वाली थी, बट जस्ट मैंने जैसे वीडियो चालू कर दिया धूप आ गई और फॉग चला गया। बट कोई नहीं, मैं कल आप लोगों को ये सुबह के सीन्स और वो जो खेती के सीन्स है वो भी दिखाने की कोशिश करूँगी। कोशिश क्योंकि ना यहाँ पर बहुत सुबह जल्दी उठते हैं और यहाँ की हवा इतनी ज़्यादा मस्त है ना कि नींद आती है और ऐसा लगता है कि बस सो ही जाओ, कंटिन्यू करूँ मेरी नींद। इसलिए आज भी मैं थोड़ी लेट उठी हूँ थोड़ी। तो आज मैं कहाँ जाने वाली हूँ वो मैं बताऊँगी ये आपको थोड़ी देर में। अभी तक मेरी तैयारी भी नहीं हुई है, मैंने जस्ट वीडियो स्टार्ट कर दिया है। बट उसके पहले इफ़ यू गाइज हैव नॉट वॉच माई यस्टरडेज व्लॉग, प्लीज़ ट्राई एंड गो वॉच इट, क्योंकि आई हैव ट्राइड समथिंग डिफरेंट इन दिस वीडियो एंड आई होप यू गाइज हैव लाइक्ड इट एंड ऑल्सो लेट मी नो योर व्यूज ऑन दैट वीडियो। कैमरा पे कुछ तो लगा है यार, बार बार बस थोड़ा ट्रांजिशन करना था इसलिए वो नकली वाली एक्टिंग की, ऐसा ही ट्राई करने के लिए। सो अभी मेरा एक अच्छा वाला दोस्त आया है यहाँ पे, मैं दिखाती हूँ, वो सामने ही है, वेट। एंड ये रहा मेरा फ्रेंड, ये जब भी मैं आती हूँ ये मुझे देखने आता है बट पास नहीं आता, वो देखो डर रहा है। ये इसका नाम भी मुझे पता नहीं है पर ये आता है हर वक्त, सिर्फ देख के चले जाता गया। और यहाँ पे कल मैंने जस्ट लाइटिंग की एकदम तारीफ़ कर दी कि जहाँ पे भी मैं खड़ी रहूँगी अच्छा फुटेज आ रहा है वगैरह, बट अभी ऐसा कुछ हो नहीं रहा है क्योंकि हार्श लाइटिंग है। बार बार मैं देख रही हूँ, मुझे एक अच्छा एंगल भी नहीं मिल रहा ना अच्छी लाइट, पर कोई नहीं अभी जो है उसमें मैं एडजस्ट करूँगी क्योंकि अभी निकलना है। और यहाँ पे पहुँचने के लिए रोड इतने ज़्यादा ख़राब है, पूरे खड्डे हैं उसमें। वैसे तो मैं लास्ट टाइम भी आई थी बट तभी इतना ज़्यादा ख़राब नहीं था, अभी जस्ट बारिश ख़त्म हुई है तो रोड की बहुत ज़्यादा ख़राब कंडीशन हो चुकी है। पूरे साइड से अलग अलग एंगल से बॉडी मसाज हो चुका है, घर जाने के बाद इतनी ज़्यादा मस्त नींद आने वाली है ना। तो अभी हम आए हैं हमारे कुलदेवत के मंदिर में जो कि भावई देवी है, तो मैं आपको शॉर्ट्स दिखाती हूँ इस मंदिर के, तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। जो घर था जो कि वेंगुर्ले में ही है
और इसीलिए मेरा नाम वेंगुर लेकर है, उसकी स्टोरी बताती हूँ। तो ये इस मंदिर के पास 5-10 मिनट के दूरी पर ही है। वो जो घर था उसमें बंदर आया था, और तभी ऐसी प्रथा थी कि जब घर में बंदर आता है तब घर छोड़ के चले जाते हैं। इसीलिए नया एकदम कलर किया हुआ घर, एकदम नया वाला, वो छोड़ के चले गए, मतलब जो मेरे एंसेस्टर्स थे वो। मतलब सोचो अगर मुंबई में किसी के घर में बंदर आया, कौन 1-2 करोड़ का घर छोड़ के जाएगा। मैं अभी यहाँ पे आने के बाद मुझे वो याद आया, इसलिए आप लोगों के साथ शेयर किया। एक बफेलो है, और यहाँ पे हर जगह जहाँ पे बफेलो होता है ना, उनके साथ वो बगड़ा बोलते हैं उसे मराठी में, आई थिंक, मुझे पता नहीं इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वो उसके साथ ही रहता है। और इतना मस्त दिखता है ना वो, मैं कितना ट्राई कर रही हूँ उसे वीडियो में लेने के लिए, पर ना वो दौड़ रहा है, और गए टाइम भी उसने ऐसे ही किया था, इसीलिए अभी मैंने छोड़ दिया उसका क्रेज। मंदिर था एक, इसीलिए हम यहाँ पे आ गए। और इस मतलब इन मंदिरों के बारे में ऐसे कुछ हिस्ट्री नहीं है, इसलिए मैं आपको वो कुछ ऐसा हिस्ट्री टाइप बता नहीं रही, जस्ट मैं यहाँ पे विजिट कर रही हूँ, इस हिसाब से मैं आपको एक मोंटाज वीडियो दे रही हूँ। आई होप आप लोग ये वीडियो एंजॉय कर रहे हो। और अभी यहाँ विजिट करने के बाद हम डायरेक्ट जाएंगे खाना खाने, क्योंकि बॉस बहुत ज़ोर से भूख लगी है। तो ये जो पीछे है वो एकदम फेमस वेंगुर्ले बंदर है, और ये सनसेट पॉइंट है वहाँ से। बट वीडियो निकालने के लिए मैं ऊपर खड़ी हूँ, और नीचे दिखाती हूँ, बहुत ज़्यादा गहरा है, गिर गई तो नहीं बचूंगी। ये देखो, इसे बोलते हैं वेंगुर्ले बंदर। और कभी ऐसा लगा ना ज़िंदगी से परेशान हो गए हो तुम लोग, बस ऐसे कोई पॉइंट पर चले जाओ और खड़े रहो, फिर समझेगा कैसा लगता है ऊपर जाने के बाद। मुझे पता नहीं लोगों में इतने गट्स कैसे होते कि वो हाइट से कूदते और सुसाइड करते, बट यहाँ जाने के बाद ना पैर से कांपते। तो जैसे ही आपके मन में कोकण आता है, क्या क्या आता है मन में? यहाँ के कोकोनट ट्रीज, यहाँ का समंदर, काजू, अम्बा मतलब मैंगो, और फिश मतलब मच्छी जो मराठी में बोलते। तो बस हम फिश खाने यहाँ पे आए हैं, जो कि एकदम टिपिकल कोकणी फूड है, और ये ढाबा स्टाइल ही है, क्योंकि कुछ लोगों को यहाँ पे सिर्फ मच्छी ही खानी है, मतलब फिश ही खाना है, क्योंकि हम टिपिकल कोकणी हैं, और कुछ लोग कोकण पे कलंक क्योंकि मुझे ज़्यादा फिश मुझे पसंद ही नहीं है ज़्यादा, चिकन और जो वेज रहता है वही खाती हूँ, बट ये सिर्फ फिश के लिए जीती है, इसके मुँह में फिश 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 ही होता है, तो इसके वजह से आज मैं खा रही हूँ। ऊपर से बंदर दिखाया था वेंगुर्ले बंदर, अभी हम वहाँ पे आए हैं और मैं आपको दिखाती हूँ कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है। Thank you.
मैं इस पार्ट अभी तक नहीं आई थी, ये फर्स्ट टाइम है कि मैं यहाँ पे आई हूँ, वो भी वीडियो के लिए मैं यहाँ पे आई, क्योंकि इतने साल मैं यहाँ पे रहती हूँ बट मैं कभी यहाँ पे नहीं आई, और आज मुझे इतना अच्छे से ब्यूटी ऑफ कोंकण देखने मिल रहा है। वैसे तो मुंबई भी ब्यूटीफुल है बट हम लोगों ने इतना ज़्यादा मेंटेन नहीं किया मुंबई को, पर ठीक है अब जो है वो है। बहुत शांत और मस्त लग रहा है, और मेन चीज़ यहाँ की कि इतना ज़्यादा क्लीन रखा गया है यहाँ पे, वो आपको वीडियो में भी दिख गया होगा। एंड आई एम सो हैप्पी दैट आई एम हैविंग अ आईफोन, क्योंकि जब भी मैं वीवो से कहीं पे जाती थी मुझे इतना ज़्यादा कैमरा सेटिंग्स करना पड़ता था, बट अभी फर्स्ट टाइम मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। बस ये होल एंड सोल मेरे शूटिंग के ऊपर डिपेंड है, और बाकी मुझे कुछ सेटिंग्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। आईफोन का फुल वसूल हो रहा है आज। बस घर आने की खुशी ना कुछ अलग ही रहती है, पर अभी जस्ट रिक्शा से ट्रैवल किया, फिर भी इतना ज़्यादा थकान महसूस हो रही है, क्या मालूम क्यों, क्योंकि वो रोड बहुत ज़्यादा ख़राब था, मैंने बताया था आपको वीडियो में, तो उसके कारण ऐसे नींद भी आ रही है, थोड़ी सी थकान भी महसूस हो रही है। और अभी जस्ट मेरे कॉलेज से असाइनमेंट भी आई है, जस्ट वेकेशन मूड में जा ही रही थी कि उन्होंने ख़त्म कर दिया वेकेशन मूड, तो मुझे वो भी कंप्लीट करना है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज, आई होप यू गाइज एन्जॉयड वॉचिंग माई वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। ये कोंकण सीरीज पूरी चलने वाली है, सो डोंट मिस आउट दिस गाइज, एंड आई होप यू गाइज आर एन्जॉइंग वॉचिंग इट। आई सी यू गाइज इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ द कोंकण सीरीज। बाय गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तुझा व्हिडिओ बाहेर पडणार आहे, तू ओळखीची आहेस का तिच्या? पण ते बोलले नाही मारत, ते बोलले म्हणून काय